असलम एवरी वन आई एम डॉ शाहजा ताहिर और आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करूँगी नीयर पेयर की स्कॉलरशिप के बारे में उनका स्कॉलरशिप का टेस्ट हो रहा है और आज की मैं वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि किस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन करनी है और किस तरह से आपने टेस्ट की तैयारी करनी है अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दे रहे हैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि टेस्ट की डेट क्या है तो आपकी टेस्ट की डेट इस सेवनटीन फेबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर जो आपका सैटरडे बनता है और आपकी टाइमिंग्स जो होंगी टेस्ट की दैट वुड बी टेन एम टू सिक्स पी एम और आपकी जो डिस्कशन होगी वो एट पी एम पे स्टार्ट होगी तो आपने डेट को मार्क करना है दैट इज़ सेवनटीन जो आपका सैटरडे बनता है फ़र्दर मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ उन्होंने बताया है कि आपके जो टेस्ट होगा जो ग्रैंड स्कॉलरशिप का टेस्ट है दैट वुड बी फॉर ऑल द प्रोवेंसेज एंड ऑल द बोर्ड्स ऑफ द पाकिस्तान तो आप कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हैं आप सिंध के हैं पंजाब के हैं बलोचिस्तान के पी के के, के के हैं आप कहीं से भी हैं तो आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं फर्दर मोर उन्होंने ये भी बताया है कि आप फ्रेशर हैं या आप इम्प्रूवर हैं तो आप दोनों तरीके से इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं यानी ये टेस्ट रिपीटर्स के लिए भी है और ये टेस्ट फ्रेशर्स के लिए भी है तो आपका जो टेस्ट की डेट एंड टाइमिंग है अगेन उन्होंने बताया है दैट इज़ सेवेंटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आपका टेस्ट का जो स्टार्ट होगा दैट वुड बी टेन ए एम शार्प और आपका जो एंड होगा दैट वुड बी सिक्स पी एम शार्प साथ ही उन्होंने बताया अगर आप लेट एंट्री करते हैं तो वो आपको ज्वाइन नहीं होने देंगे ये एक ऑनलाइन टेस्ट होगा तो इसके लिए उन्होंने बताया कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्मूथ होना चाहिए अगर आप बार बार लीव करेंगे और बार बार ज्वाइन करेंगे तो वो आपको ज्वाइन नहीं होने देंगे इस तरह से साथ ही उन्होंने बताया कि आपके सिलेबस और आपका फॉर्मेट क्या होगा तो आपका जो ग्रैंड टेस्ट होगा दैट वुड बी ऑफ हंड्रेड एम और उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा वन मिनट्स का और साथ ही उन्होंने बताया कि फॉर्मेट क्या होगा तो ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है जो आप कहीं भी बैठ दे सकते हैं आप पाकिस्तान में कहीं भी बैठे हुए हैं तो आप उनका टेस्ट सकते हैं आपने करना क्या है आपने नियर पेयर की ऑनलाइन जो मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड करना है या आप इसको डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपने जस्ट उससे ज्वाइन करना है आपका पासिंग परसेंटेज होगा हो दैट वुड बी फिफ्टी और इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी साथ ही उन्होंने बताया कि जो लोग रजिस्टर कर लेंगे इस टेस्ट के लिए तो उनको एक रेलिवेंट जो फ्री प्रेप रिसोर्स है वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे और वो डाउनलोड करेंगे अपनी नियर पेयर की मोबाइल ऐप को और रजिस्टर करेंगे उसके थ्रू फर्दर आपका सिलेबस क्या होगा ग्रैंड टेस्ट का तो बायोलॉजी के लिए आपका कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का चैप्टर है आपका एवोल्यूशन का चैप्टर है रिप्रोडक्शन का चैप्टर है आपका स्पोर्ट एंड मूवमेंट है एंड वेरिएशन एंड जेनेटिक्स का चैप्टर है इंग्लिश के लिए उन्होंने आपको जो रूल्स प्रोवाइड किए हैं दैट इज सेंटेंस कंप्लीशन पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेज हैं साथ ही एग्रीमेंट मिस्टेक्स है वर्ब्स एंड सेंटेंसेज है नरेशन है कंजंक्शन एंड नाउन है और आपको वोकैबुलरी दी है वन से वन एटी तक साथ ही जो उन्होंने आपको केमिस्ट्री का सिलेबस प्रोवाइड किया उसके अंदर आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है अल्काइल हेलाइड्स है आपका एल्कोहल फिनोल है एलडीहाइड कीटोन है कार्बोआक्सैलिक एसिड्स है माइक्रोमोलीक्यूल्स है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं एंड साथ ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं फर्दर फिज़िक्स के लिए जो आपका सिलेबस है दैट इज इलेक्ट्रोस्टेटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स अटामिक स्पेक्ट्रा एंड न्यूक्लियर फिजिक्स लॉजिक रीजनिंग के लिए जो उन्होंने आपको प्रोवाइड किया है दैट इज़ आपका क्रिटिकल थिंकिंग लेटर एंड सिंबल सीरीज आपका लॉजिकल डिडक्शन एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स तो ये आपका टोटल सिलेबस है फ़र्दर एक और क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा था कि ये टेस्ट होगा कहाँ पे लोकेशन क्या होगी तो ये एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जो आप कहीं भी बैठकर कर अटैम्प्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से अपने डेस्कटॉप से लैपटॉप से या कहीं से भी बस आपके पास एक इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए ये मैंने उनकी वेबसाइट खोल ली है तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये एम ग्रैंड टेस्ट जो आपका स्कॉलरशिप है ट्वेंटी का उसकी उन्होंने ऑरियंटेशन बताई हुई है आपको इंट्रोडक्शन बताया कि ये ग्रैंड टेस्ट होगा 17 ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को होगा स्टार्टिंग टाइम आपका 10 एम है एंड एंडिंग टाइम आपका 6 पी एम है देन फॉर्मेट और सिलेबस बताया दैट इज़ आपके 100 एम होंगे आपके 105 मिनट्स होंगे आप ऑनलाइन इसको अटैम्प्ट करेंगे मोबाइल से या अपने डेस्कटॉप से 55 परसेंट आपकी पासिंग परसेंटेज है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आप रजिस्टर किस तरह से कर सकते हैं तो आपने इस लिंक पर क्लिक करना है और इस तरह से आपकी साइट खुल जाएगी तो ये आपका सारा सिलेबस आपको साइट में बताया हुआ है जो मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर, कर चुकी हूँ अब ये आपका देखें ये इस तरह से आपको सारा सिलेबस बताया हुआ है फर्दर पीछे जाके देखिए तो आपको वेटेज बताई है कि आपके बायोलॉजी के थर्टी फोर एम होंगे केमिस्ट्री के और फिज़िक्स के ट्वेंटी सेवन इंग्लिश के नाइन होंगे और लॉजिकल रीजनिंग के थ्री होंगे इस तरह टोटल मिला के आपके हंड्रेड एम होंगे डिफिकल्टी लेवल बताया है कि ईजी ट्वेंटी परसेंट मॉडरेट सिक्सटी परसेंट और हार्ड होंगे दैट वुड बी ट्वेंटी परसेंट और इससे आपको फ़ायदा क्या होगा आपको फ्री स्केजल मिलेगा फ्री पेयर की बुक्स मिलेंगी प्रैक्टिस एम मिलेंगे फ्री उनके टेस्ट मिलेंगे और ऑल पेयर के डाउट सॉल्वर एप्स मिलेंगी आपको फ्री में ये मैंने उनका रजिस्ट्रेशन का लिंक खोल लिया है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी रजिस्ट्रेशन का लिंक भी और उनकी जो ऐप का लिंक है वो भी तो आपने उधर से अच्छे से डाउनलोड कर लेनी है ये देखें जी ये आपका रजिस्ट्रेशन का लिंक है तो किस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन है सब कुछ उन्होंने बताया फॉर्मेट अगेन उन्होंने सब कुछ आपको बताया है फर्स्ट प्राइज जो होगा दैट वुड बी फाइव फिफ्टी थाउजेंड दैन थर्टी थाउजेंड और देन टेन थाउजेंड होगा अगेन ही उन्होंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताई हुई है कि ओरिएंटेशन में क्या होगा उसके बाद आपने किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है आपने अपना नेम लिखना है कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी लिखना है आपने बताना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ का आपने एम डी कैड देना है यू एच एस का पंजाब का देना है फेडरल के पी के सिंध का या बलूचिस्तान का दैन आपने अपनी सिटी लिखनी है फिर आपने बताना है कि आप करंटली एफ एस सी का स्टूडेंट हैं इम्प्रूव कर रहे हैं एफ एस सी और एम डी कैड या सिर्फ़ एम डी कैट कर रहे हैं आपने ये बताना है फिर आपने बताना है कि आप पहले से नियर पेयर से इन है या नहीं है अगेन आपने बताना है आर यू प्रिपेयरिंग एम डी के फ्राम एनी वेयर आप कहीं से प्रिपेयर कर रहे हैं और उस इंस्टीट्यूट का आपने नाम लिखना है देन आपने बताना है कि कहाँ से आपको नियर पेयर के बारे में पता चला एंड आपने बताना है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं फ्रॉम द नियर पेयर ये करके आपने इसको सबमिट कर देना है और इस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी फॉर द स्कॉलरशिप टेस्ट तो आपने इस तरह से अपने स्कॉलरशिप टेस्ट की रजिस्ट्रेशन करानी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएँ आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं